हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी मम्मी के किचन में, रजनीश किचन। आज हम बनाएंगे बॉम्बे का हलवा। इसे हम कराची हलवा भी कहते हैं और रबर हलवा भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में एक कप कॉर्नफ्लोर डालेंगे, इसी के साथ एक कप पानी। मेजरमेंट अपनी सही रखें जिससे यह हलवा एकदम परफेक्ट बने हमारा। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। याद रखें, लम्स नहीं बनने चाहिए। अगर लम्स बन रहे हैं, आप उसे अच्छी तरह मिक्स करते रहें। अब हम इसमें आधा कप पानी और डालेंगे। पहले एक कप पानी डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स करें, फिर आधा कप डालें। जब हमारा कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह मिक्स हो जाए, इसी के साथ फिर हम चाशनी की तैयारी करेंगे। चाशनी के लिए मैंने एक कढ़ाई में दो कप चीनी डाली है और एक कप पानी डालेंगे और हम इसकी अब चाशनी बनने देंगे अच्छी तरह। इसे आप मिक्स करते रहें। हमारी चाशनी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें अपना कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर डालेंगे। एक हाथ से आप हिलाते रहे चाशनी और दूसरे हाथ से डालें। याद रखें, हमें हिलाते रहना है क्योंकि इसमें लम्स बन जाएंगे बहुत जल्दी, तो इसे आप हिलाते रहें। अब हम इसमें नींबू डालेंगे, आधा नींबू डालेंगे सिर्फ, और इसे अच्छी तरह मिक्स करें। हम इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये अच्छी तरह थिक नहीं हो जाता। अभी अच्छी तरह थिक हो चुका है। अब हम इसमें एक चम्मच घी डालेंगे। हम घी डाल डाल के इसको भूनते रहेंगे। अब हम इसमें एक और चम्मच घी डालेंगे। एक चम्मच दाल डाल के हमने इसे भूनते रहना है अच्छी तरह। इसमें आप अपनी गैस की आंच थोड़ी धीरे रखें, ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए। अब हम इसमें फूड कलर डालेंगे, रेड फूड कलर। एक पिंच फूड कलर में पानी डाल के इसमें हम मिक्स करेंगे। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। अब हम इसे मिक्स करते रहेंगे और ये सेम आंच में बनता रहेगा। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जैसे कि खरबूजे के बीज, बादाम, काजू कटे हुए, पिस्ता कटे हुए। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे हम सेम आंच में अच्छी तरह पकने देंगे। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये कढ़ाई के कॉर्नर्स नहीं छोड़ देता और इसका जो हमने घी डाला है वो ऊपर आ जाना चाहिए। एक प्लेट में घी डाल के उसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, प्लेट को। अब हमारा हलवा बनने ही वाला है, इसे अब हम थोड़ी देर और भुनेंगे एक चम्मच घी डाल के। हमारा घी आसपास दिख भी रहा है अच्छी तरह, ये भुन चुका है अब अच्छी तरह। इसे अब हम एक मिनट और भुनेंगे। इसने अब कढ़ाई भी अब अच्छी तरह छोड़ दी है। अब हम इसे एक प्लेट में डालेंगे जिससे मैंने पहले ही ग्रीस करा हुआ था। इसे हमने अच्छी तरह डालना है प्लेट में और इसे पूरी जगह फैलने देना है अच्छी तरह। जब ये ठंडा हो जाएगा, ये अपने आप ही प्लेट छोड़ देगा। जैसे आप देख रहे हैं, ये आराम से प्लेट से निकल रहा है। अब हम इसे क्यूब्स में काट के रख लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, इसी वक्त आप इसमें बादाम काजू डाल सकते हैं।
मैंने इसमें थोड़ी देर बाद डाले थे और वो वीडियो मेरी स्किप हो गई थी डालते समय की। तो आप इसी समय इसमें सारे काजू बादाम ऊपर से डाल सकते हैं। इसी के साथ हमारा कराची हलवा बनके तैयार हो चुका है। थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।